हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और बुक को रिव्यू करेंगे। रिसेंटली मैंने एक बुक खत्म करी है, वो है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और बहुत 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 अच्छी किताब है। मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप सभी यह किताब पढ़ें। वजह क्या है इस किताब को रिकमेंड करने की? यह कहानी है एक रिचेस्ट मैन, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की। और इस किताब के माध्यम से वह बताते हैं कि कैसे वह बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद। तो इस कहानी के मुख्य किरदार हैं अरकद, ठीक है? अरकद को बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है। और अरकद काफी दयालु भी था, काफी अच्छा व्यक्ति था, जो हर बार लोगों को सहायता करता था और बड़ा दान करता। कहानी की मुख्य बात यह है कि एक बार अरकद के दोस्त ये सोचते हैं, यार अरकद हम में से एक था, वो अचानक दुनिया का सबसे अमीर आदमी यानी कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया। तो अरकद के दोस्त अरकद के पास आते हैं और कहते हैं, अरकद यार ये बताओ, बचपन में तुम हमारे साथ खेले, हमारे साथ पढ़े, तुम हमसे बहुत टैलेंटेड नहीं थे, इवन गांव में ना तुम्हें लोग डल कहते थे, तुम्हें बस मामूली लड़का समझते थे, हम ज्यादा समझदार थे गाँव में, लेकिन फिर भी अचानक तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए और हमारी स्थिति ये है कि हम दो वक्त की रोटी तक के लिए मोहताज हैं। आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? तुम इतने भाग्यशाली कैसे हो गए कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए और आज हम भी गुलामों की तरह जी रहे हैं? तो इस बात पे अरकद ने अपने उन दोस्तों को डांटा और कहा कि तुम अभी भी अगर रोटी के लिए मोहताज हो, तुम दो वक्त का खाना नहीं खा पा रहे, इसका मतलब कि तुमने वह गुण नहीं सीखा, वो क्वालिटी नहीं सीखी जिससे पैसे कमाते हैं और जिससे अमीर बनते हैं। अब ये बात सुनने के बाद अरकद के सारे दोस्त शॉक हो गए कि क्या मतलब, ऐसी भी कोई विधि है, ऐसी भी कोई नियम, ऐसा भी कोई कानून है जिसको सीखने के बाद पैसे कमाए जा सकते हैं? तो अरकद ने कहा, जी हाँ, ऐसे सात नियम है। अरकद ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, ऐसे वो सात नियम है जिस नियम पे चलकर मैं इतना अमीर आदमी बना। और ये ऐसे नियम है कि इस पर अगर कोई भी चलेगा तो वो वास्तव में बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। तो वो सात नियम के बारे में अरकत ने क्या बताया, आइए पहले उन नियमों को जानते हैं, फिर मैं सारे नियम को डिस्कस नहीं करूंगा। मैं इस वीडियो में केवल कुछ ही नियम डिस्कस करूंगा ताकि आप बुक्स पढ़ें और आप उन सारे नियमों के बारे में जानें। तो अरकत ने उन सात नियमों में कौन कौन से नियम बताए? अरकत ने पहला नियम बताया ये था कि आप अपने बटुए को भारी करें, मतलब जो भी आपका वॉलेट है, पर्स है, आप उसको भारी रखें। भारी रखने से मतलब आप अपने बटुए में ज्यादा से ज्यादा पैसे रखें और उसको हमेशा बढ़ाते रहें। अभी इस पर डिस्कस करेंगे। इसके भी उन्होंने सात नियम बताए कि अपने आप बटुए को कैसे भारी रख सकते हैं, आप अपने बटुए में ज्यादा से ज्यादा कैसे पैसे रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला नियम है जिसको फॉलो करके मैं सबसे अमीर आदमी बना। दूसरा नियम उन्होंने कहा, अपने खर्चे में काबू रखें। और साथ ही साथ उन्होंने यह नियम बताया और साथ ही साथ विकल्प भी बताया कि कैसे आप अपने खर्चे को काबू कर सकते हैं। और तीसरा नियम अरकद ने कहा, अपने स्वर्ण की वृद्धि करें, मतलब अपने धन की, अपने सोने की, अपने प्रॉपर्टीज की वृद्धि करें। उन्होंने तीसरा नियम बताया और विकल्प भी बताया कि कैसे आप इन चीजों को कर सकते हैं। चौथा उन्होंने कहा, नुकसान से खजाने की रक्षा करें। और फिर से वही बात कि उन्होंने ये भी बताया, विकल्प भी बताया और ये भी बताया कैसे आप अपने खजाने को नुकसान से बचा सकते हैं। पांचवा उसने कहा कि अपने रहने के वातावरण को ना लाभदायक निवेश में बदले, आप जहां पे रहते हैं उन चीजों को ऐसे बदल दीजिए कि वहां से आपके पैसे आए। और ये चीजें कैसे होंगी, अरकत ने इसका उपाय भी बताया। छठा अरकत ने बताया, अपने भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें, एक ऐसा कार्य कर लें अपनी जिंदगी में जहां से आपके भविष्य की आमदनी सुनिश्चित हो जाए, फिक्स हो जाए कि कहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। और सातवां सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट अरकद ने बताया कि आप अपने कमाने की क्षमताओं में वृद्धि करें, आपकी जो कैपेसिटी है ना कमाने की, आप उसकी वृद्धि करें। तो ये सात पॉइंट अरकद ने दिया। अब ये पॉइंट आपको लगेगा कि यार ये हम जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम करें कैसे। तो आइए वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अरकद ने कहा कि आप अपने बटुए को भारी रखना शुरू। अब इस बटुए को भारी रखने के लिए उनमें सात विकल्प दिए, हम सातों को जानेंगे नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अरकद ने कहा क्या, कहना क्या था। अरकद कहता है कि आपका जो भी वॉलेट है ना, जो बटवा है ना, वह एक निश्चित अमाउंट से कभी कम नहीं होना चाहिए। और मैं सेम इसको अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने अपने पर्स में एक दिन निश्चित किया कि इस दिन से मेरा वॉलेट कभी 500 रुपए से कम नहीं होगा और हर महीने इतने से कम नहीं होगा। लाइक फर्स्ट मंथ में मैंने निश्चित कर लिया कि मेरा वॉलेट 500 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। 500 से कम कभी हो ही नहीं सकता,
अगर होगा तो मैं कहीं भी जॉब करूंगा, कुछ भी करूंगा, मगर अपने वॉलेट को, अपने पर्स को 500 रुपए से कम नहीं होने दूंगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप 5,000 कर लें, आप जो अपने हिसाब से कर सकते। अगले महीने में आपको वो रकम बढ़ा देना है, आपको कहना है कि मेरा वॉलेट 1,000 से कम नहीं होगा, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करने पड़े, चाहे अपने खर्चे कम करने पड़े, चाहे मुझे अपने बर्थडे ना मनाना पड़े, लेकिन हाँ मेरा वॉलेट उस निश्चित अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। अगले महीने में, पहले पहले महीने 500, फिर 800, फिर 1,000, फिर 12,000, आप इस चीज को निरंतर बढ़ाते चलिए। और एक और उससे उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ठीक है, कि वह अमाउंट से कभी मेरा वॉलेट कम नहीं होना चाहिए, मेरे वॉलेट में, मेरे पर्स में इतने पैसे होने चाहिए। अब चाहे आप इसको वॉलेट कह लें, या फिर वो गुल्लक कह लें आप जहाँ पैसे रखते हैं, या फिर वो जगह कह लें जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, वहां पे इतने अमाउंट से कम पैसे नहीं होने चाहिए अगर आप सच में जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं। और इसी रास्ते पे चल के अरकद अमीर बना, तो ये उसका पहला बेसिक पॉइंट। दूसरा दूसरा उसने कहा था कि आप अपने खर्चे को नियंत्रण रखें, और ये यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है। जब उसने कहा कि आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें, तो उनके दोस्तों में से एक दोस्त उठा और बोला, यार अरकद हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारी जितनी कमाई है ना, उस कमाई से हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। तो अब जब मेरे खर्चे पूरे नहीं होते उस कमाई से, तो हम उस कमाई से अपने खर्चे कंट्रोल कैसे करें? हमें तो और पैसे चाहिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए, तो हम अपने खर्चे को कैसे नियंत्रण करें? तो अरकद ने कहा, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अरकद ने उस मजमे में बैठे हुए सभी इंसान से कहा कि वह लोग हाथ उठाएं जिनकी कमाई से उनके खर्चे पूरे हो जाते हैं। तो उस मजमे से, उस महफिल से किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर अरकद ने एक कोने की तरफ इशारा किया और एक आदमी से पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है? उसने बताया कि मेरी सैलरी इतनी है। और फिर जिसने प्रश्न किया था कि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, उससे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उसकी सैलरी उस व्यक्ति की आधी थी। अरकद ने कहा कि आपकी सैलरी इससे आधी है, फिर भी आपके खर्चे पूरे नहीं होते, आपसे इसके दुगुने सैलरी है, फिर भी इसके खर्चे पूरे नहीं होते। अरकद ने कहा कि यह जीवन की वास्तविकता है कि आपकी जो सैलरी होगी ना, उससे खर्चे पूरे कर पाना बहुत मुश्किल है। लगभग 100 में से 90, 95, 99 लोगों की यही स्थिति है कि वह अपनी आमदनी से अपने खर्चे पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि यह जीवन की वास्तविकता है। अरकद ने कहा कि वह दिन कभी नहीं आएगा आपकी जिंदगी में जब आप ये सोचेंगे कि हाँ आज मैं इतना कमाता हूँ कि मैं खर्चे पूरे करने के बाद भी मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो यह दिन कभी नहीं आएगा कि आपके पास पैसे बचेंगे आपके खर्चे पूरे करने के बाद भी। तो आज से ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए और पैसे बचाना शुरू कर दीजिए। तो ये अरकद की दूसरी लेसन। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस किताब को पढ़ें, इस कहानी को पढ़ें और आप अपने तरीके से इसको सीखें। बस दो पॉइंट और देख लीजिए, जहां पे अरकद ने कहा था कि आप अपने भविष्य की कमाई सुनिश्चित करें, मतलब आप कहीं किसी ऐसे स्टॉक में पैसे डालें जहां से डिविडेंड मिले, या फिर अच्छा रिटर्न मिले, या फिर FD करा लें, या फिर कहीं ऐसी जगह मकान ले जहां से आपको किराया मिले। मतलब आप अपने भविष्य की कमाई को अभी सुनिश्चित कर लें, जो भी आपका स्टेज हो, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं। पर अरकद ने यह कहा था कि आप अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। आप जहां पे आराम से कमा रहे हैं ना, मतलब आपको ये लग रहा है कि यार मैं यहां से ना आराम से पैसे कमाता हूं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, तो उसके साथ ही साथ आपको अपनी कमाई की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहां से और पैसे कमा सकता हूं। और क्योंकि हर एक चीज ना, इंसान पूरी जिंदगी पैसे नहीं कमाता, एक लिमिटेड टाइम तक पैसे कमाता है। एक इंसान का समय होता है कि वो इस समय तक पैसे कमाता है, उसके बाद उसके पैसे वो नहीं कमा पाता पैसे, उसने जो सोर्सेज बना रखे हैं ना वहां से उसके पास पैसे आते। तो अरकद ने कहा था कि अपने भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करें और अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, हर एक पॉइंट को अरकद ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया, मैं अपनी लाइफ में भी इन चीजों को फॉलो करता हूँ, यूज करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। बाकी मुझे किताब पढ़ के बहुत अच्छा लगा, एंड आई रियली होप कि आप पढ़ेंगे ना आपको भी बड़ा मजा आएगा किताब पढ़ के। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, समझाऊं और मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूं ताकि आप किताबें पढ़ें। सो दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक टू रीड फॉर द बिगिनर्स एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, लाइक दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर बिजनेस जॉब्स आर दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड टू वर्क। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिकमेंड यू, यू मस्ट 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 ट्राई टू रीड दिस बुक आसान से लैंग्वेज में। और हाँ, आपको कौन सी लैंग्वेज में खरीदना है, जो इसकी जो इंग्लिश वर्जन है ना, वो थोड़ा सा टिपिकल वर्ड यूज किया गया। मैं पर्सनली इसको पढ़ रहा था इंग्लिश में, तो मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत नए नए वर्ड्स मिल रहे थे। सो मैं इसको हिंदी में प्रेफर किया, जो भी मेरी नेटिव लैंग्वेज है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज में इस बुक को पढ़िएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट में अपनी राय दें और आप अपनी फेवरेट बुक बताएं।
आप एक ऐसी बुक बताएं जो चाहते हैं कि मैं उसे पढ़ूं, तो डेफिनेटली मैं उस बुक को पढ़ूंगा और उसका रिव्यू करूंगा अपने यूट्यूब चैनल जेन टॉक पे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप कमेंट में अपनी फेवरेट बुक बताएं और आप बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए बुक रिव्यू के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, देखते रहिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।